फ्रेंड्स, मैं हूँ जागृति बोरीचा। आज हम बनाने वाले हैं करेले की भरी हुई सब्जी। उसके लिए लगेगा, बट उसके पहले आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उससे आपको मेरी हर वीडियोस मिल जाएगी। तो आप चलिए देखते हैं। इसमें लगने वाली सामग्री है करेला। इसे मैंने बीच में से अच्छे से धो के कट करके बीज उसमें से निकाल लिए हैं। सिका हुआ सिंगदाना है उसको मैंने पीस लिया है और बेसन को भी मैंने सेक लिया है। गुड़, अदरक लहसुन मिर्ची उसकी पेस्ट है। जो अदरक लहसुन नहीं खाते हैं वो स्किप कर सकते हैं। हरा धनिया बारीक चॉप कर लिया है। नींबू, नमक, तेल और मसाले में हमको लगेगा लाल मिर्च, थोड़ा गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर, राई जीरा, हल्दी और हींग। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसन लेंगे, बाद में सिंगदाना। गुड़ लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्ची, थोड़ा हरा धनिया, नींबू का रस, मिर्ची पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, हींग। थोड़ा नमक, थोड़ा सा ऑयल। अभी हम इसे अच्छे से पहले हिला लेंगे हाथों से। फ्रेंड्स, ये करेले की सब्जी बहुत यमी होती है। अब वीडियो पूरा देखना। और करेला हम छीलेंगे भी नहीं, बट फिर भी वो करेले की सब्जी बहुत अच्छी होती है। ये अपना मसाला रेडी है, अभी हम इसे करेले में भरेंगे। और ये करेले को आप डायरेक्ट ये भर के फ्राई भी कर सकते हो, बट इसे मैं स्टीम करूँगी। और मैंने स्टीमर को गरम होने रख दिया है। ये अपना करेला भर के हो गया है, इसे हम छन्नी में स्टीम करेंगे। इसे हम ढक देंगे, इसे हम 10 मिनट तक स्टीम होने रखेंगे। अब ये अपना करेला हो गया है, आप देख सकते हो नाइफ इजीली अंदर जा रहा है। अभी हम इसे निकाल देंगे। अभी हम करेले का तड़का देंगे, थोड़ा तेल लेंगे, दो चम्मच मैंने तेल लिया है। राई
राई जीरा डालेंगे एक चम्मच, अब हमें इसमें हींग डालेंगे थोड़ी, थोड़ा कड़ी पत्ता और करी पत्ता। और इसे हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया जीरा, थोड़ी सी हींग, हल्दी, और इसे हम मिलाएंगे। थोड़ी देर हम इसे ढक के रखेंगे। ये अपनी सब्जी हो गई है, इसमें हम धनिया डालेंगे। फ्रेंड्स, ये आपको सब्जी कैसी लगी आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिए, उससे मेरी आपको हर रेसिपीज मिल जाएगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।